वेलकम टू बियॉन्ड बाउंड्री प्लेस। बियॉन्ड बाउंड्री प्लेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए मैं कवर करने वाला हूँ वो है रोमानिया का मैच नंबर 7 को कवर कर रहा हूँ, जो कि 13 जुलाई 3:30 बजे इवनिंग को होने वाला है ये। और शेड्यूल्ड वेन्यू शेड्यूल जो है सेम है लोकेशन। अब बात करते हैं, ये मैच जो है ACCB और BUG के बीच होने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग कवर करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए वेदर की। वेदर में आप ये जान लीजिए कि वेदर ऑलमोस्ट क्लियर रहेगा, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होने वाला है। और पिच बिहेवियर में ओवरऑल कंडीशन जो बैटिंग को सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ का एवरेज स्कोर जो है वो 115 के आसपास होने वाला है। और फर्स्ट बैटिंग करने वाले को जीतने के चांस ज़्यादा हैं। आगे बात कर लेते हैं हम गेम पॉइंट की। गेम पॉइंट में आप ये जान लो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ACCB ने अभी तक 2 मैच खेले हैं, 2 जीता है और 4 पॉइंट के साथ सेकेंड रैंक पर रैंक कर रहा है। और BUG 2 मैच खेला है, दोनों लॉस किया है और रैंक जो है 4 है 0.0 के साथ। तो ये है दोनों के बीच का पॉइंट टेबल। आगे बात करते हैं हम लोग लास्ट फाइव में देख सकते हैं आप। लास्ट फाइव में ACCB ने 5 का 5 मैच जीता हुआ है और BUG जो है 2 मैच खेला है और दोनों ही मैच जो है लॉस में है, ठीक। तो इससे पता चल रहा है कि ACCB जो है काफ़ी अच्छी टीम है और स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं हेड टू हेड में जान लीजिए कि दोनों के बीच अभी तक कोई भी हेड टू हेड हुआ नहीं है, ठीक है। आगे करते हैं ACCB के टॉप ECS बैटिंग स्टैट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये आप देख लीजिए, गौहर मनन जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 113 रन स्कोर किया है, हाईएस्ट जो है 112 रन और नॉट आउट के साथ किया है। एक ही मैच में इन्होंने स्कोर 112 किया हुआ है। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग बैटिंग और यहाँ पे देखिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 चौके और 10 छक्के की मदद से इन्होंने स्कोर किया हुआ है। अब्दुल आसिफ की बात करते हैं, अब्दुल आसिफ 75 हाईएस्ट है और 75 रन स्कोर किया हुआ है नॉट आउट के साथ, जिसमें कि 4 चौके और 9 छक्के हैं। इस्फान की बात करते हैं तो इस्फान ने 40 नॉट आउट के साथ हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है। और यहाँ पे आनंदा की बात करते हैं तो आनंदा ने भी 11 हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है 4 प्लेयर जो है अभी तक रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंगली बेस्ट फॉर्म में हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो आसिफ जो है 4 विकेट लिया हुआ है, सुखविंदर सिंह जो है 2 विकेट लिए हुए हैं, समीउल्लाह जो है 2 विकेट, सिरउल्लाह 1 विकेट और असफान 1 विकेट, गुल जो है आरगुल 1 विकेट लिया हुआ है। तो इस तरह से बैटिंग इन बॉलिंग में लोगों ने विकेट लिया हुआ, जिसमें कि आप देखिए अब टीम आपके लिए एकदम ऑलमोस्ट रेडी है। आपको इसको रखना ही, आप आसिफ को रखना ही रखना है, सुखविंदर रखेंगे ही आप, समीउल्लाह 3 तो इधर से हो गए। और बैटिंग में आप देख लो, बैटिंग में आप 4 रखेंगे जिसमें से 1-2 जो है कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 से 5 बैट्समैन इधर निकल के आ गए आपके। अब आगे करते हैं हम लोग बात कौन क्या परफॉर्म करने वाला है। सुखविंदर जो हैं वो होंगे आपके कैप्टन, विकेट कीपर असाद अब्बास होंगे, टॉप जो हैं बॉलिंग में बैटिंग में आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। गौहर मनन होंगे, आनंदा होगा, उसके अब आसिफ होंगे और असद होंगे। ओपनिंग बॉलर की बात करते हैं, समीउल्लाह होंगे, सुखविंदर सिंह होंगे, स्पिनर के रूप में सुखविंदर सिंह आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए की प्लेयर देखिए मनन होंगे, उसके बाद आसिफ होंगे जो कि अच्छा खेल रहे हैं, और सुखविंदर, ये 3 प्लेयर हैं और प्लस चौथा समीउल्लाह भी हैं, ठीक है ना। ये 4 प्लेयर जो आपके की प्लेयर हैं, ये 4 जो हैं होने ही चाहिए टीम में आपके, जो कि स्कोर को हाई करने में सपोर्ट करेगा।
बीओजी की बात करते हैं। बीओजी में देखिए महमूद मोहम्मद मौत जो हैं वो ठीक ठाक खेल रहे हैं, 44 हाईएस्ट के साथ 57 बनाया हुआ है। मासीह जो हैं वो 36 स्कोर किया हुआ है 29 हाईएस्ट के साथ। कोहली जो हैं 16 हाईएस्ट के साथ 28 रन स्कोर किया हुआ है। नेपाली जो हैं वो विकेट यदि गिरने लगता है तो फिर ये आते हैं और थोड़ा बहुत स्कोर सपोर्ट करते हैं, ये 10 रन इन्होंने किया हुआ है। पावेल फ्लोरिन की बात करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं लेकिन इस अभी इस सीरीज़ में कुछ अच्छा अभी कर नहीं पाए हैं, ठीक है ना। इमरान हैदर की बात कर लेते हैं, 6 स्कोर किया हुआ है। मुश्ताक की बात करते हैं तो 4 स्कोर किया हुआ है। तो आप ये स्टैट्स है बैटिंग स्टैट्स बीयूजी का, तो आपके लिए जो मैं जो सजेस्ट करूँगा आपके लिए, मोहम्मद मैज हो जाएंगे, मानिस हो जाएंगे, फ्लोरिन हो जाएंगे, ये 3 प्लेयर जो हैं वो आपके टीम का पार्ट होना चाहिए। और चौथा में आप इसको रख सकते हैं आमिर हैदर को, ठीक है। ये बैटिंग स्टैट्स में आपको निकल गया, जो कि बॉलिंग में भी कुछ कंबाइन होंगे। देखिए फ्लोरिन जो है 4 विकेट लिया हुआ है, कोहली जो है 2 विकेट, मासी की बात कर रहे थे 1 विकेट लिया हुआ है, मिहाल की बात करते हैं तो 1 विकेट, मौज जो है विकेट नहीं लिए हैं लेकिन वैसे भी पार्ट टाइम आकर के कुछ कुछ बॉलिंग करते हैं और विकेट मिलता है इनको, बट अभी 2 मैच खेला ही है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से बॉलिंग स्टैट्स है, बॉलिंग में आप रख सकते हैं फ्लोरिन को रख सकते हैं, मासी को रख सकते हैं, कोहली को रख सकते हैं, ये 3 प्लेयर हैं और एक हैदर हैं, वो बॉलिंग करते ही करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग की प्लेयर कौन से होने वाले हैं आपके लिए। की प्लेयर में आपके मोहम्मद होंगे, उसके बाद फावेल होंगे जो कि मैं ऑलरेडी बात किया था, इमरान हैदर होंगे और मासी, ये 4 प्लेयर की प्लेयर हैं। कैप्टन के रूप में आने वाले हैं कॉस्मिन, विकेट कीपर होंगे इमरान हैदर, उसके बाद टॉप बॉलिंग स्टैट्स में होंगे मौज मोहम्मद, प्रभात लेकिन ये अच्छा थोड़ा अभी फॉर्म में नहीं है, सजील हैं और इमरान हैदर, इमरान हैदर ठीक ठाक करते हैं। ओपनिंग बॉलर के रूप में मोहम्मद महेश होंगे, माहिश होंगे और फ्लोरिन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके परफॉर्म करने वाले हैं, वैसे एक्सपेक्टेड परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी सिचुएशनल जो है 1-2 प्लेयर आगे पीछे होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कर लेता हूं मैं, प्रोबेबली प्लेइंग इलेवन मैंने यहां दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं आपके लिए मास्टर कार्ड के, मास्टर कार्ड में आप देख लीजिए गौर को रखना ही रखना है, आसिफ को रखेंगे, सुविंदर को रखेंगे, समीउल्लाह, पावेल की बात करेंगे और मौज की बात करेंगे और माहिश की बात करेंगे, मासीह की बात करेंगे। ये आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप कैप्टन जो है गौहर के साथ, आसिफ हो गए और पावेल अभी फॉर्म में नहीं है लेकिन इस पावेल को यदि रख रहे हैं, बहुत कम लोग रखेंगे, और इसको आप इसके साथ जा रहे हो तो ये ग्रैंड लीग के लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए मैंने टीम जो क्रिएट किया हुआ हैदर के साथ किया हुआ है, अब्बास हैं, उसके बाद मनन हैं, यस आनंदा हैं, समीउल्लाह हैं, फ्लोरिन हैं, मोहम्मद हैं और देवके हैं, उसके बाद बात कर लेता हूँ आसिफ हो गए और कोहली और आसिम हो गए। तो इस तरह से मैंने टीम बनाया हुआ है, कैप्टन मैंने मनन को रखा है और फ्लोरिन को, आप कैप्टन मनन के साथ 2-1 जा सकते हैं, आसिफ जा सकते हैं, इवन एम मोहम्मद के साथ भी जा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नए मैच को कवर करेंगे, टिल द टाइम कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, थैंक यू सो